हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान भर्ती 2019 को लेकर खुशखबरी लेकर आया हूं। जो राजस्थान की दो भर्तियां हैं उनका विज्ञापन कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB फिर से उनका विज्ञापन जारी करेगा इसी महीने, और इसी महीने इनके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट होंगे। तो हम देखते हैं कौन सी वो वैकेंसी है राजस्थान की जिनके फिर से जो आवेदन स्टार्ट होंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितने क्या पोस्ट है, और बहुत कुछ विथ ऑफिशियल डिटेल एंड ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से जो भी राइट आंसर देगा उनमें से लकी विनर्स का नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, और जो लास्ट टाइम हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उनके विनर्स के नाम भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज का जो आपका सवाल है, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व के पेरिस के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी ये क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व के पेरिस के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी अलवर, एंड तीसरा ऑप्शन आपका से उदयपुर, या फिर डी ऑप्शन आपका दे ऑप्शन है उदयपुर। राइट आंसर के साथ आपको अपनी सिटी का नाम भी जरूर कमेंट करना है। तो आप सभी देख सकते हैं जो आपकी ये दो वैकेंसीज है उनका नाम है पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन, एंड जो स्टेनोग्राफर यानी शिक्षक भर्ती। तो इन दोनों का विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा यानी सितंबर के अंदर ही, और सितंबर के अंदर ही इनका ऑनलाइन फॉर्म्स भी स्टार्ट किए जाएंगे, और इनका एग्जाम कब है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो जैसा कि आप सभी इस न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं कि इसमें बता रखा है कि इसी महीने इनके जो फिर से विज्ञप्ति जारी करके जो ऑनलाइन आवेदन भी इसी महीने मांगे जाएंगे, इस न्यूज़ के अंदर बता रखा है। ठीक है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारी कर ली है, और इसी के साथ यहाँ पे बता रखा है कि इसी महीने के अंदर इनकी संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जैसा कि न्यूज़ में बता रखा है। तो आप देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफर एंड जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसके लिए, और इसमें कितनी क्या सीट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो भी हम सभी देख लेते हैं। तो आपकी जो स्टेनोग्राफर वैकेंसी है शीघ्र लिपक की, पिछली बार ये आपकी 1085 पदों के लिए निकली थी, लेकिन इस बार जो इसमें MBC का रिजर्वेशन भी एड किया जाएगा और EWS आरक्षण है, उन दोनों का मिलाकर 15% इसमें सीटें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो पहले भी इसमें MBC की बढ़ रखी है, लेकिन वो 5% के हिसाब से नहीं बढ़ रखी, तो इसलिए इसमें जो 5% MBC की और 10% EWS की बढ़ा दी जाएगी। तो आपके 1085 पोस्ट है, तो ये आपकी टोटल जो 1100 से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 1200 के समथिंग पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और आप फीस देख सकते हैं, जो जनरल OBC के लिए 450 रुपये, एंड जो नॉन क्रिमिलियर OBC वाला है, MBC वाला है, उनके लिए 350 रुपये, एंड जो SC ST के लिए 250 रुपये, एंड जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है या उसके सिमिलर है, उनकी जो फीस रहेगी 250 रुपये ही रहेगी। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के अंदर आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, या तो RSCIT या फिर जैसा इस लिस्ट के अंदर बता रखा है कि आपके पास ओ लेवल या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए न्यू दिल्ली से, ये बता रखा है, NIELTS से अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर कोपा के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, तो आप 12वीं पास के साथ ये आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BTEC कर रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड ज़्यादातर RSCIT आप सभी ने कर रखा होगा, और 12वीं पास भी आप सभी हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो देवनागरी लिपि का भी आपको हिंदी एंड जो राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, एंड जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में यानी जो 12वीं अभी उन्होंने पास नहीं की है एग्जाम दे रखा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो RSCIT अपेयरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। और एज लिमिट आपकी इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम इसमें 40 वर्ष बता रखी है, और इसमें आपको छूट रहेगी SC ST को 5 साल, एंड जिस प्रकार रहती है नियमों के अनुसार वो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद जो हम दूसरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख लेते हैं लाइब्रेरियन वाली का, जिसको आप पुस्तकालय अधीक्षक Grade 3 के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर जो आपके टोटल वैकेंसी निकली थी 915 पदों के लिए, तो इसके अंदर जो भी EWS और MBC आरक्षण एड होकर जो ये आपकी वैकेंसी हो जाएगी, जो 1000 से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 1000 से भी ज़्यादा पदों के लिए इसका विज्ञप्ति फिर से जारी होगी, और इसी महीने इसके ऑनलाइन आवेदन भी जारी किए जाएंगे, और एग्ज़ाम डेट आपको मैं बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन है, फीस आपकी वही जो स्टेनोग्राफर के अंदर बताई वो इसके अंदर है सभी कैटेगरीज़ के लिए, और जो सभी कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे SC ST OBC MBC EWS जनरल, सभी कैटेगरी के लिए फार्म रीओपन होंगे। ठीक है,
तो फेस वही है आपकी, और सीट आप देख सकते हैं 915 है, लेकिन जो इसमें सीटें बढ़ाई जाएगी तो आपके पदों की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10वीं पास के साथ आपके पास जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, पुस्तकालय साइंस यानी लाइब्रेरियन साइंस के अंदर या फिर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र आपके पास है 10वीं के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ये कोर्स रहता है आपका लाइब्रेरियन का, जो पर सर्टिफिकेट कोर्स भी रहता है, डिप्लोमा कोर्स भी रहता है, डिग्री कोर्स भी रहता है, अगर इनमें से आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में आपको देवनागरी लिपि का एंड साथ ही में राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। एंड जिन्होंने अभी जो लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट अभी जिनके पास आया नहीं है लेकिन उन्होंने एडमिशन ले रखा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा तब आपका जो ये प्रमाण पत्र जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो वैकेंसी के लिए आपको इसी महीने आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें भी एज लिमिट आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी जो कैटेगरी वाइज इसमें छूट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों का, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर और लाइब्रेरियन का बात करते हैं, अब इनका एग्ज़ाम कब होगा, आपका लाइब्रेरियन एंड स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों अभी जो पिछली बार जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के फॉर्म भी रीओपन हुए थे, और जैसे ही वो फॉर्म आपके रीओपन हुए थे उसके 10 दिन बाद ही जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी थी, यानी जब ऑनलाइन फॉर्म ख़त्म हुए थे उसके 15 से 20 दिन बाद ही एग्ज़ाम आ चुके हैं, और उनके जो 14 सितंबर से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो आपके भी जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी टाइम इसका जो एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो जाएगी। तो मानकर चलिए कि आपका इसका एग्ज़ाम या तो अक्टूबर के लास्ट के अंदर हो जाएगा, नहीं तो नवंबर के अंदर कंफर्म इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर बीच में कुछ अधीनस्थ बोर्ड बिजी नहीं हुआ तो नवंबर के अंदर आपका स्टेनोग्राफर और लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर भी कम टाइम दिया गया था अभ्यर्थियों को कि फार्म फिर से भरवाए गए थे, लेकिन जो नए अभ्यर्थी थे उनको मुश्किल से 1 महीना भी नहीं मिला था तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं वीडियो एडवांस में बनाकर आप सभी को बता रहा हूँ ताकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और सिलेबस से कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, technoRajasthan.com पर भी मिल जाएगा। तो स्टेनोग्राफर और लाइब्रेरियन का फॉर्म फिर से स्टार्ट हो रहा है, सभी मैंने आपको जानकारी दे दी है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का फॉर्म फिर से इसी सितंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर भी कम टाइम मिला था और इसके अंदर भी आपको कम टाइम मिलने के चांस है। तो आप अपनी तैयारी करिए, और जो आप ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब फार्म रीओपन होंगे, तो इसी महीने के अंदर फॉर्म रीओपन हो जाएंगे अकॉर्डिंग दिस न्यूज़, जो राजस्थान पत्रिका के अंदर जानकारी आ रखी है। इसी महीने इनके ऑनलाइन आवेदन फिर से मांगे जाएंगे विज्ञप्ति जारी करके। और जो मैंने आज से आपका सवाल पूछा है कि आज का सवाल राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको जरूर देना है, विद आपको अपनी सिटी का कमेंट भी जरूर करना है। तो आपके ऑप्शन है जोधपुर को, अलवर को, उदयपुर या फिर जयपुर को, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने लास्ट टाइम आपसे सवाल पूछा था उनके विनर्स का नाम भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। और पिछली बार मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर था बाड़मेर से, ठीक है। तो बाड़मेर इसका राइट आंसर था, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और काफ़ी टाइम ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जिन्होंने राइट आंसर दिया है उनके नाम इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं, बाड़मेर हिना पंचाल का राइट आंसर है, तबस्सुम खान का भी राइट आंसर है, बीकानेर से ये बिलोंग करता है, और काफ़ी लाइक्स मिले इनके कमेंट्स को, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों जिन्होंने भी कमेंट किया है। और उसके बाद जो बाड़मेर जयपुर सिटी राइट आंसर दिया है जयपुर से लक्ष्मी जांगीर ने, और मनीष कुमार ने भी राइट आंसर दिया है, सोनू यादव ने भी राइट आंसर दिया है, ललित मीणा का भी राइट आंसर है, रितु भादौरिया का भी राइट आंसर है, बांदीकुई से ये बिलोंग करते हैं, ललित मीणा 12 से ये बिलोंग करते हैं, एंड विनोद कुमार का भी राइट आंसर है, एंड जो मनीषा विश्नोई का भी राइट आंसर है, बालोत्तरा से ये बिलोंग करते हैं, बाड़मेर राइट आंसर, एंड दीपक चौहान का भी राइट आंसर है, नीतिका चौधरी इनका भी राइट आंसर है बाड़मेर, एंड जो
भंवर यशवर्धन है, इनका भी राइट आंसर है। राजेश प्रजापत का भी राइट आंसर है, और रुचिका अरोड़ा का भी राइट आंसर है। महेंद्र शेखावत का भी राइट आंसर है, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। इंद्रजीत का भी राइट आंसर है, शक्ति मीणा का भी राइट आंसर है। तो दोस्तों आप सभी का थैंक यू सो मच, और जिन दोस्तों का नाम नहीं आया है उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर नाम आएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर लाइब्रेरियन का फिर से फॉर्म री ओपन हो रहे हैं, वो ठीक है, इसी महीने इनके फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास ही है, और इस साथ ही में आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लाइब्रेरियन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पर्सनल प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।